वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी, जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव तो इस तरीके से टारगेट कर रहे, कई आरोप लगा रहे, लेकिन जाहिर अभी अंदर से क्या खबर मिल रही है? खबर है कि 2:30 बजे के आसपास परिवार पहुंच जाएगा दरअसल बांदा अस्पताल, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हाँ देखिए, उनके परिवार के लोग निकल चुके हैं, जो जानकारी आ रही है, तो कुछ ही समय बाद वहाँ पहुँचेंगे। वो लगभग कई घंटों का सफर तो है, उस घंटे का सफर करने के बाद वहाँ पहुँचने के बाद ये एक लंबी प्रक्रिया होगी, आसान नहीं है। पहले कागज साइन होंगे, सारी चीज़ें, पंचनामा, और उसके बाद जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू होगी। तो पोस्टमार्टम की कार्रवाई अब तो होगी नहीं, उसके लिए सुबह का इंतजार करना होगा। उनके आने के बाद जो वैधानिक कार्रवाई है वो पूरी होगी, तो इसको ये मान के हमको चलना चाहिए लगभग 11 बजे के बाद ही इसकी बॉडी को ले जाने की प्रक्रिया को कोई रूप दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि गाजीपुर ले जा रहे हैं, मोहम्मदाबाद जहाँ उनका अपना घर है वहाँ ले जाएंगे जब वो, उसी के बाद बाकी तमाम चीज़ों के पूरा होने का पता चलेगा। तो अभी के समय में यही है कि परिवार वहाँ पहुँच रहा है और उसके बाद जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई है शव को सौंपने की, उसकी कार्रवाइयाँ पूरी करेगा। धीरेन्द्र जी, एक पहलू है, चूँकि आप उत्तर प्रदेश को अच्छे से समझ रहे हैं, वहाँ की राजनीति को अच्छे से जानते हैं, मुख्तार अंसारी के बैकग्राउंड और उसका वो दौर भी आपने देखा, अब ये सहानुभूति जताते हुए जो कुछ नेता हैं जिनको दरअसल तुष्टीकरण की सियासत शोभा देती है, उसको किस एंगल में देखें? क्योंकि समाजवादी पार्टी सबसे आगे निकलती है, समाजवादी पार्टी जी और श्री लगाकर विनम्र श्रद्धांजलि दे रही है। हम ये ना भूलें कि भाई वो एक्यूज नहीं, कन्विक्टेड है, अपराधी है जिसकी मौत हुई। देखिए, मैं ये बता दूं दर्शकों को कि मुख्तार अंसारी के कई बार इंटरव्यू लेने का मुझे मौका मिला, उसके साथ लगातार, बल्कि वो खबर भी सबसे पहले मैंने ही ब्रेक की थी उस वक्त जब LMG खरीद रहा था ये एक डेजर्टर से, डेजर्टर लाल सिंह यादव जो सेना से भागा हुआ था, एक LMG भी इसलिए खरीदी जा रही थी क्योंकि ब्रजेश सिंह के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होने की खबर उस वक्त हुई। लगभग 8 गाड़ियाँ उस समय पूर्वांचल में थी जिनमें जो मुक्त ब्रजेश सिंह के गैंग के पास थी, तो उन सबको ब्रजेश सिंह को निपटाने के लिए उन्होंने ये काम किया था कि किसी भी तरह वो ये किया जाए। इस पूरे अगर हम लोग देखें कि पूरी ताकत के साथ मुख्तार अंसारी उसको ख़त्म करना चाहता था, लिहाजा वो LMG खरीदी जा रही थी, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, बाद में कोर्ट में वो देने की कोशिश की गई और एक अच्छे अधिकारी शैलेंद्र सिंह का राजनीतिक कैरियर समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह की इसी जो MY समीकरण को खड़ा करने की पॉलिसी थी उसकी वजह से गया। अगर मैं ये कहूं कि उस वक्त सरकार ने इतना खुल के ताकत दी कि जेल में रहते हुए मुख्तार के DGP ऑफिस में जाकर मिलने के शॉट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, वो फोटो उपलब्ध हो जाएंगे, वो सारी स्टोरीज उपलब्ध होंगी, तो जो हम अभी देख रहे हैं वो प्रोसेस मुलायम सिंह सरकार के समय हो चुका था। मुलायम सिंह सरकार के समय सबसे ज्यादा ताकत में मुख्तार अंसारी था। मुख्तार अंसारी जेल में जाने से पहले अपने मालिसिये, अपने रसोइये, अपनी मर्जी के लोगों को जो उसकी सेवा करने के लिए है वो पहले जाते थे, छोटे छोटे अपराधों में वो जेल चले जाते थे, जानबूझ के बाकायदा पहुंच के उनको जेल में भेजा था और अंदर पूरा दरबार लगता था। तो उस ताकत को उस चूंकि मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं ने समाजवादी पार्टी के काफी लंबे समय तक मदद की, अगर हम लोग उसके डिवीजन को देखें, चाहे वो लंबे समय तक किए गए विपक्षी पार्टियों पर हमले हो या फिर उस ताकत का इस्तेमाल करना, तो मुझे लगता है कि मुख्तार अंसारी की वो याद, उसको गुनाने की कोशिश आज भी समाजवादी पार्टी करना चाह रही है। इस वक्त चुनाव का माहौल है और ऐसे माहौल में अगर आप MY समीकरण में M को कमजोर होते हुए देखते हैं, चूंकि OVC के आने की चर्चा थी, फिर बसपा जिस तरह से अपना सामाजिक समीकरण साधती है उसमें मुस्लिम्स को बहुत तरजीह मिलती है, तो उस सब को काटने के लिए इस समय समाजवादी पार्टी या पप्पू यादव जैसे जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जो सेम बैकग्राउंड माफिया बैकग्राउंड के लोग हैं, वो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। यानी मुख्तार जितना जीने जिंदा उनके लिए मुफीद था, अब उसके मरने के बाद भी उसका राजनीतिक फायदा उठाने की एक कोशिश है। अच्छा, अविनाश भी जुड़े हैं। अविनाश, क्या और ताज़ा अपडेट? अविनाश की आवाज़ पहुंच रही है? अगर आवाज़ पहुंच रही हो तो अपडेट बताइए, फिलहाल क्या जानकारी?
जी देखिए, अभी दरअसल बात ये है कि मुख्तार अंसारी के परिवार के कुछ लोग जो हैं वो बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंच गए हैं, और जो मुख्तार अंसारी का परिवार गाजीपुर से चला था वो अभी रास्ते में, माना जा रहा है कि 3 से 4 बजे तक मुख्तार अंसारी का जो गाजीपुर का परिवार है वो बांदा पहुंच जाएगा, और उसके बाद जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया आगे देखिए। अगर हम पीएम की बात करें तो चूंकि पोस्टमार्टम जो होता है वो सूर्योदय की बात ही होता है, तो माना जा रहा है कि कल 6 बजे के बाद जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी वो शुरू होगी, और पोस्टमार्टम के बाद जो डेड बॉडी होगी जो कारण तारी की वो परिजनों को सौंप दी जाएगी, जो परिजन डेड बॉडी को लेकर गाजीपुर पहुंचेंगे, और जो पैतृक गांव है मुख्तार अंसारी का जो पैतृक निवास है वहां के कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। और लेकिन देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये आ रही है कि जहां पर मुख्तार अंसारी का घर है वहां पर जो स्थानीय लोग हैं जो मुख्तार अंसारी के समर्थक हैं वो हजारों की तादाद में वहां पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। हालांकि पुलिस की कोशिश है कि किसी भी स्थिति को संभाला जाए, और क्योंकि डीजीपी मुख्यालय से लगातार नजर रखी जा रही है, अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई, चाहे गाजीपुर की बात करें, मऊ की बात करें, फिर बांदा की बात करें, खासतौर पर गाजीपुर जो की मुख्तार अंसारी का पैतृक जिला है और जो पैतृक गाँव है मुख्तार अंसारी का, वहां पर न सिर्फ यूपी पुलिस और पीएसपी बल्कि अर्धसैनिक बलों को भी डिप्लॉय करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। क्योंकि देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा रोग स्वभाव का जिला है मुख्तार अंसारी का वो गाजीपुर है और मऊ है, और अगर पिछले 3 दशक की बात करें तो जो पूरा कार्यक्षेत्र रहा है मुख्तार अंसारी का सीमांचल में सबसे ज्यादा है, जो प्रभाव रहा है वो इन्हीं जिलों में रहा है। बाहर से बात है कि यहाँ पर मुख्तार अंसारी के जो समर्थक हैं कि पिछले कई सालों से भले ही वो दुबके पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो एक बार फिर से एक्टिव हो सकते हैं, और वैसे में कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, नियंत्रण की स्थिति ना हो, इसको लेकर सरकार के साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है पहले से ही सचेत है, एक्स्ट्रा जो फोर्स है डिप्लॉय करने का वहां पर आदेश जारी कर दिया गया है, और लगातार डीजीपी मुख्यालय से इस पर नजर भी रखी जा रही है। जी रुमान जुड़ चुके हैं, रुमान पोस्टमार्टम को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि देखिए दो तरह के मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। अभी पुंडीर साहब बता रहे थे कि वो शायद अर्ली मॉर्निंग ही, और मेरे पास जो जानकारी मिल रही है उसमें ये भी बताया जा रहा है कि देर रात जब 2:30 बजे परिवार पहुंचेगा तो उसके बाद पेपर वर्क खत्म के जिस वक्त भी प्रोसेस होगा उसी समय शुरू किया जाएगा। कुछ अपडेट है क्या, पुख्ता तौर पर पता चल पाया क्या? रुमान सामने आया है कि रात में भी पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन जो आमतौर पर प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक बेटे हैं किसी, अरे शांत होकर सुन लीजिए, आप समझ सकते हैं, आपके माँ बाप को आप हम समझ सकते हैं। मुख्तार को लेकर जो अपडेट आ रहा था वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। रुमान देखिए बिल्कुल, मुख्तार अंसारी की मौत का मामला ऐसा है कि एक तो टाइमिंग ऐसी है कि चुनाव के समय मौत हुई है, इसलिए प्रशासन किसी भी तरह से फूंक फूंक का कदम रखना चाहता है, क्योंकि परिवार का आरोप है कि जहर दिया जा रहा था, हत्या की आशंका बता रहे हैं, कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। मुख्तार अंसारी का खासा प्रभाव पूर्वांचल में है, उसके समर्थक हजारों की संख्या में है, और एक अफवाह लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ सकती है, इसी वजह से प्रशासन ने पूरा इंतजाम किया है, पुलिस के अलावा पीएससी पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती, साथ ही साथ पूरे यूपी में हाई अलर्ट इसी वजह से लगाया गया है कि ऐसी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश असामाजिक तत्व ना कर सकें।